Hello guys, welcome back to M Bros India. This is Rehan and this is Sahil. So today we are going to watch Pratigya 2 Bhojpuri movie official trailer. So Pratigya 2 के trailer पर हम reaction दे रहे हैं क्योंकि हमने अभी poll release किया था जिसमें हमने Pratigya, Pratigya 2 और एक और movie थी जिसका नाम मुझे अभी remember नहीं आ रहा है. उसपे हमने poll डाला था तो उसमें Pratigya 2 की इतनी ज़्यादा voting थी कि मैं उसका नाम भूल गया बताओ. इतनी ज़्यादा voting थी, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था Pratigya 2 के लिए, ज़्यादा request आई थी comment box में बार बार Pratigya 2 का वो आ रहा था. तो हमने फाइनली ये देखिए 78% वोट मिला है प्रतिज्ञा 2 को. दूध का कर्ज में है खेसारी लाल एंड निरुआ, प्रतिज्ञा में है पवन सिंह एंड निरुआ, एंड प्रतिज्ञा 2 में है खेसारी लाल एंड पवन सिंह द मेन लीड स्टार. इसके अलावा भी एक स्टार और हैं जिनका नाम मुझे भी खैर याद नहीं आ रहा, शायद सुशील सिंह या कुछ और इनका नाम है. वो भी मतलब टोटल में 3 हीरो हैं इस प्रतिज्ञा 2 मूवी में, बट दो लोग हाईलाइटेड है जिनको हम सब जानते हैं जो मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं. टॉप 3 में जिनका नाम आता है वो सुपरस्टार की ट्रेलर पर, बहुत पुरानी मूवी बता रहे हैं इसको, उसके ट्रेलर पर हम अब रिएक्शन दे रहे हैं. तो 2015 की 78% वोट मिले तो फिर तो हिट मूवी रही होगी, बहुत बड़ी ऑब्वियसली हिट ही रही होगी. तो देखते हैं, कमेंट बहुत आए थे, माफी चाहूंगा. हम सब पे सबको पोल में नहीं डाल सकते थे, इतनी सारी मूवियों के नाम अपने लोगों ने बोल दिए. जिसके सबसे ज्यादा नाम आ रहे थे हमने उनको पोल में डाला और फाइनली उस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं. तो होप आप लोगों को पसंद आएगा. स्टार्ट करते हैं. दुबला लग रहा है. दो सुपरस्टार एक मूवी में, तीनों शानदार एक्शन बताया तीनों ने. ओहो ये इनकी वॉइस है ना. अक्षरा सिंह क्या बात है. अगर हमके 5 करोड़ के नुकसान भए तो हम 110 रुपया और खर्चा करब गोली मारे. ये दूसरे हीरो है शायद जो लग रहा था इनसे ना. के हुआ टल बड़ुए आ ना ही के हुआ टी हो. कौनो पुलिस वालन के इतना ताकत नहीं थी के ऊपर मुजरिम पे हाथ डाल सके. ओह ये खतरनाक शॉट है यार. स्लो मोशन तो समय बताए कि के करंट कर रहा था. ओ तीनों है. मदद चाहिए. अगर हम जानते ये थाना इतना खूब
खूबसूरत होला तो मां कसम चार दिन पहले से बेड ओड लेके आके ही जी पड़ा रहा तका एक महीना में बाप बन जी बेडरूम सॉन्ग फाइनली मतलब स्टार्टिंग से होता है ओ हमार दिमाग सही करे खातिर कोनो बहुत धमाका कहीं जरूरी बा तीनों की एंट्री है ना ओके यार आज हमने तीनों प्रतिज्ञा करी जा धरती फटे चाहे आसमान अब तू ना बचे मलखा ओ तेरे सही कहा यार वाओ यार लास्ट वाला सही डायलॉग है धड़की धरती फटे चाहे आसमान अब तू ना बची मलखान डायलॉग क्या बात है यार ट्रेलर बहुत धमाकेदार था और दो सुपरस्टार से तो ये एक्सपेक्ट किया था हमने कि बहुत धमाकेदार होगा हम ठीक से जानते नहीं है किसी सुपरस्टार कौन थे और वो क्या अब मूवीज में इतने चल पा रहे या नहीं चल पा रहे मुझे ख्याल से नहीं चल पा रहे होंगे इतना तभी वो अब दिख नहीं रहे उस मूवी में लीड रोल में है तीन हीरो की दो तो खैर अभी नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री पे चल रहे हैं आई डोंट नो कौन नंबर वन पे लेकिन बात करें हम खेसरी लाल इनका चुलबुला रोल दिया है पवन सिंह का थोड़ा ऐसा रोल दिया है मजबूत वाला राइट आदर्शवादी टाइप शायद पुलिस का भी एक यूनिफॉर्म में बताया था उन्हें स्टार्टिंग में जब वो किसी दरवाजा खोलती है काजल रघवानी और वो पुलिस के उसमें आते हैं काफी उनकी हेल्थ भी कम लगी मतलब हाँ, काफी फिट लगे हैं वो काफी पिछली बार से स्लिम लगे हैं वो काफी कम वजन लगा और तीसरे जो स्टार है उनका तो मुझे पता नहीं पता लेकिन है। जो तीसरे स्टार के साथ उनका जो फाइट सीन था वो शानदार उसके जो फाइट सीन थे वो उछल कूद वाले वो बहुत सही साइड शूट करे यार है ना लग रहा था मजा आ रहा था उसको देखने में गाने अरे यार सच में यार भोजपुरी गाने की बात ही अलग है बहुत मजेदार काजल रघवानी थी सुनने में बहुत मजा आता है हाँ ये बात सही है और अक्षरा सिंह थी और एक और हीरोइन नाम मुझे पता नहीं है क्या नाम था उनका बाकी श्रुति ऐसा कुछ नाम था शायद उनका बाकी ओवरऑल बहुत मजा विलेन भी जबरदस्त है डायलॉग्स विलेन को भी बहुत तगड़े तगड़े दिए इन लोगों ने राइट ये भी एक सोचने वाली बात है कि विलेन को तो तगड़े तक डायलॉग दिए बिल्कुल भाई मेरा मगज खराब है कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा मतलब मगज खराब है इसलिए बड़ा धमाका करना अरे यार ये कौन सा विलेन है और वो जो बस ओवरऑल डांस आइटम नंबर रहते ही और पवन सिंह की मूवी में हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक बेडरूम सॉन्ग कंफर्म है तो खैर इस बार पवन सिंह नहीं थे सॉन्ग में कोई और था लेकिन पवन सिंह की मूवी तो है मूवी तो है ना भाई और वो फाइट वाला सीन जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं बहुत अच्छा था यार डायट आवाज अमेजिंग है दिल को छू गया और अब फाइन था ये बहुत पुरानी मूवी लग रही है लाइक 2015 की है 15 या 16 की होगी 15 की है ओके ट्रेलर 15 में अपलोड हुआ है ट्रेलर 15 मतलब 15 में आई होगी मूवी तो 15 की मूवी है अब करीब 4 साल हो गए ना इसको 4 साल बाद भी इतनी रिक्वेस्ट आ रही है मतलब मूवी हिट ही हुई होगी ऑब्वियसली और मूवी यूट्यूब पे ये तो मेरे ख्याल से ऐसा हो गया जैसे बॉलीवुड में सलमान शाहरुख साथ में आ जाए वैसे केसरी लाल भी काफी दुबले पतले लग रहे थे ना राइट केसरी लाल को भी अगर हम देखें तो वो भी काफी यंग लग रहे हैं ना सब ये जो सभी यंग लग रहे हैं 4 साल पहले बहुत ज्यादा होते 4 साल में क्या से क्या हो जाता है 4 साल के बाद में वो पता ही है पिछले 4 साल में बॉडी बनाने का कैसा वो चढ़ा हुआ है लोगों के अंदर तो जिला चंपारण में हमने देखा कि केसरी लाल की अच्छी खासी बॉडी है और अभी पवन सिंह तो है ही हाई फाई दिखते ही है और उनका तो वही ऐसा है पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है कि भाई देखते से डर जाए इंसान तो थोड़ा सा नहीं नॉर्मल लाइफ में अगर वो आँख दिखा दे तो डर जाए इंसान ये तो फिल्म है बाकी रियल लाइफ में अगर आँख दिखा दे तो इंसान डर जाए बाकी रियल लाइफ में तो मैंने सुना है कि केसरी लाल भी बस सोना होना पहन के घूमते हैं अच्छा चीने बड़ी बड़ी डाल दी और बहुत मजा आया हाँ अब आप लोगों की बारी है पॉल पर हमने जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई दो स्टारों की मूवी पे रिएक्शन दे दें तो इन दो स्टार की मूवी पे हमने रिएक्शन दे दिया अगला भी इसी तरह का अब हम पोल नहीं डालेंगे अब हमारे देखेंगे कमेंट में कि किसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उसके हिसाब से अब हम अगला ट्रेलर जो रहेगा दो स्टार चाहे वो निरुआ सर हो या पवन सिंह हो या खेसरी लाल या निरुआ हो दोनों देख लेंगे जो भी हो उनमें से हम जिसके भी रहेंगे ज़्यादा उस पर रिएक्शन दे देंगे जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे और रहेगा तो पोल भी डाल देंगे अगर नहीं समझ में आया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो पोल तो डालने पड़ेगा हाँ बस उसके पहले आप लोग एक काम कर लीजिए जिन लोगों ने पहली बार देखा है वीडियो को वो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राइट और साथ में दबाइए बेल आइकॉन और शेयर भी कर दीजिए वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी प्लेटफॉर्म जितने भी वो सोशल मीडिया नेटवर्क और हाँ हमारा फेसबुक पेज है जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं वहाँ पर भी वीडियो पोस्ट करना तो जो लोग यूट्यूब पर नहीं देखते हो उनको अगर आपको शेयर करना तो आप हमारी फेसबुक की
लिंक दे रहा हूँ हमारी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फेसबुक के हमारे उस पेज को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी फैंस में। वहाँ पर हम वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जो यूट्यूब पे अपलोड होगा वो वहाँ पे भी अपलोड होगा, और जो यूट्यूब से बंद हो जाएगा, कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब से बैन हो जाते हैं, तो वो वीडियोस भी हम फेसबुक पर अपलोड करेंगे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर पेज रेड कॉल्स एम्ब्रोज इंडिया। आप सर्च कर सकते हैं एम्ब्रोज इंडिया, हमारा चेहरा दिख जाएगा, खूबसूरत चेहरे हम दोनों के नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।